नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों की संयुक्त समन्वयक समिति के तत्वावधान में विकास भवन प्रांगण में प्रदेश अध्यक्ष रजनीकांत त्रिवेदी के नेतृत्व में एक दिवसीय ध्यान आकर्षण दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन आयोजित कर प्रदेश के मुखिया को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप कर मांग की गई है कि शासनादेश के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों से विकास कार्यों में काम लिया जाए, उनका उत्पीड़न ना किया जाए। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय ध्यान आकर्षण दिवस के बाद भी जिला प्रशासन नहीं चेता तो संघ आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। राज्य वित्त और 14वें वित्त पे जो भी गाइडलाइन है, जो भी शासनादेश है, उनके क्रम में ही कार्य कराया जाए। गाइडलाइन और शासनादेश के विपरीत मौखिक आधार पर जिला प्रशासन द्वारा बाध्य न किया जाए, ये पूरे प्रदेश के लिए मेरा है। दूसरे, गोवंश आश्रय स्थल में जो पंचायती राज विभाग या ग्राम पंचायतों के दायित्व हैं, उन्हीं के अंतर्गत कार्य लिए जाएं, उनसे अन्यथा के कार्य के लिए बाध्य न किया जाए। दूसरे, जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी हैं, इन पर जो मनमाने ढंग से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन पर रोक लगाई जाए, उत्पीड़न बंद किया जाए। यही, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर एकत्र हैं। आपका नाम और पद? मैं रजनीकांत त्रिवेदी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, और जो समन्वय समिति है जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी दोनों हैं, उनका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और सभी पदाधिकारियों को अपने अपने में जिले में रहने का निर्देश दिया था, उसी क्रम में आज मैं यहाँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।